Dear students, now we will continue with the next topic of this chapter, that is wheels reduces friction. Wheels friction ko reduce karte hain. You must have seen attaches and other pieces of luggage fitted with rollers. Aapne dekha hoga ki kuch jaise suitcase hote hain ya fir kuch luggage पीसेस होते हैं उनमें क्या फिट रहता है, रोलर्स फिट रहते हैं. इवन अ चाइल्ड कैन पुल सच पीसेस ऑफ लगेज. रोलर्स इसलिए लगे होते हैं जिससे, मतलब क्या होता है, छोटे बच्चे भी उन लगेज को क्या कर सकते हैं, पुल कर सकें. व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों होता है, लेट अस फाइंड आउट. नाउ वी विल कंटिन्यू विद द एक्टिविटी 12.4. टेक अ फ्यू पेंसिल विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप. देखिए इसमें आपको फिगर में भी दिया हुआ है, कुछ पेंसिल्स हैं, है ना, सिलेंड्रिकल शेप्स में. प्लेस देम पैरेलल टू ईच अदर. अब आपने क्या करा, इनको प्लेस कर दिया एक दूसरे के पैरेलल ऑन अ टेबल, एक टेबल पर. प्लेस अ थिक बुक ओवर इट. और इसके ऊपर आपने क्या करा, एक थिक बुक रख दी, जैसा कि आपको फिगर में शो हो रहा है. नाउ पुश द बुक. अब आप क्या करना है, आपको इस बुक को पुश करना है. You observe the pencil rolling as the book moves. आप क्या देखेंगे कि जैसे जैसे बुक मूव कर रही है, पेंसिल्स क्या कर रही हैं, रोलिंग कर रही हैं, रोल कर रही हैं. Do you feel it easier to move a book in this way than to slide it? अब आप क्या, आप इसमें ऐसा फील कर रहे हैं कि बुक को स्लाइड करने से बेटर इनको इस तरह से रोलिंग की प्रोसेस से मूव कराना ज़्यादा ईजी है. डू यू थिंक दैट रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द बुक हैज बीन रिड्यूस्ड. क्या आप सोच रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि इस तरह से बुक के मोशन में क्या है, बुक के मोशन का रेजिस्टेंस क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है. हैव यू सीन हैवी मशीनरी बींग मूव बाय प्लेसिंग लॉक्स अंडर इट. क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि जब किसी हैवी मशीन को मूव कराना होता है तो हम उसके नीचे क्या रख देते हैं, लॉग्स रख देते हैं. व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी. जब कोई भी एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करती है, उससे क्या होता है, मोशन का रेजिस्टेंस क्या होता है, इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन. रोलिंग क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है. जब किसी भी, आपने देखा होगा सूटकेस के नीचे जब व्हील्स लगे होते हैं तो आप उसमें कितना भी आप अपना लगेज उसमें फिल कर लें, बट उसको क्या करता है, पुल करना ईजी हो जाता है ना. इट इज ऑलवेज ईजियर टू रोल देन टू स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर. ये हमेशा ईजी होता है. मीन्स क्या ईजी होता है, कि किसी भी बॉडी के स्लाइड से बेटर है उसका रोल करना. दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कन्वीनियंट टू पुल लगेज फिटेड विद रोलर्स. इस यही रीज़न है कि जब आपके लगेज में रोलर्स फिट होते हैं, है ना, तो उसको पुल करना ज़्यादा इजी हो जाता है, ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है. कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई द व्हील्स इज सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड. क्या अब आप इस बात को समझें कि क्यों एक व्हील को ये कहा जाता है कि ये मैन के लिए, मींस ह्यूमंस के लिए, सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा इन्वेंशन था. सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल बियरिंग्स. आपको पता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा क्या है, कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन, है ना. इसीलिए बहुत सारी मशीन्स में स्लाइडिंग को रिप्लेस करके रोलिंग को लाया गया, है ना, रोलिंग फ्रिक्शन को लाया गया, रोलिंग के प्रोसेस को लाया गया स्लाइडिंग को रिप्लेस करके. किसका यूज़ करके, बॉल बियरिंग्स का यूज़ करके. बॉल बियरिंग्स की फिगर्स आपको 12.16 फिगर में दी गई है, ठीक है. ये किसकी फिगर है, बॉल बियरिंग्स की. Common examples are the use of ball bearings between hubs and the axles of ceiling fans and bicycles. Ceiling fans और bicycle में क्या लगे होते हैं, ball bearings लगे होते हैं. वो किसके example हैं, इन्हीं ball bearings के example है, rolling friction के examples हैं.